वालेकुम गाइस, सुबह बखैर। 7:09 है सुबह के और हम तकरीबन वही लेट हैं, 2 घंटा और 40-43 मिनट। और जिस चीज़ को देखना चाह रहा था उतना तो नहीं है, बट है। मुकाबला चल रहा है शालीमार का, उसका कल एक्सीडेंट हुआ भरोस पीर, 15 तारीख, आज 16 जनवरी। शालीमार अभी गोजरा क्रॉस कर रही है, वो तकरीबन 8 घंटे के करीब लेट हो गई है, होना बनता भी था। और हम अभी साहिवाल पहुंचने वाले हैं। अब मुकाबला ये है, देखते हैं कि पहले लाहौर कौन पहुंचता है। उम्मीद अच्छे की है, होप फॉर द बेस्ट। बाइक वाले भाई साहब ट्रक के पीछे सहारा लेते हुए, कमाल ये है कि डेंस फॉग होने के बावजूद ड्राइवर साहब ने आसरा नहीं किया, बड़े तजर्बे और हिम्मत के साथ जो समा सट्टा के ड्राइवर्स हैं, रोडी से समा तक और समा से लाहौर तक, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। वावन अपनी मौज में और सामने आई थिंक सो जी एल आए, बड़े करीब हो गए हैं साहिवाल स्टेशन के और ड्राइवर साहब बड़ी एहतियात से लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि आप सही कि विजिबिलिटी विद इन सिटी डेंस है, फॉग तो कम है। अच्छी स्पीड पे ड्राइवर साहब ने गाड़ी प्लेटफॉर्म पे एंटर की है, माशाल्लाह। साहब ने भी अखीर मारी हुई है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल कुछ तो फॉग मिली। राइट फॉर डिपार्चर,
ऑलमोस्ट एक मिनट रुके जो ड्यू टाइम है अपना 7:19, बिल्कुल एक मिनट रुके, थोड़ी देर में ट्रैक करते हैं कि टू डाउन किधर है। रादर आई शुड डू इट नाउ। आजकल उसे भी फॉग ने बड़ा तंग किया हुआ है, वो अभी लाहौर भी नहीं पहुंची। स्क्रीन पे भी माशाल्लाह से अपना कुछ कपड़े पड़ रहे हैं और मतलब फसल को कुछ सहारा होगा। अब अंदर चलते हैं और स्टेशन के करीब करीब निकलेंगे। बाहर बहुत ठंड है, अब हाथ सुन हो रहे हैं, टन हो रहे हैं। गाइस ओकाड़ा में शहर में कम है फॉग, इस वक्त 7:57, अप्रॉक्सीमेट 3 मिनट कम है, 8:08 कह लें। अब ओकाड़ा पहुंच रहे हैं, ओकाड़ा चल रहा है इस वक्त शालीमार और अवामी में। स्लोली मूविंग आउट। मैंने आपको हमेशा कहा है कि समा का ड्राइवर जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। रात रोडी टू समा आउटस्टैंडिंग, तो तकरीबन आप कह लें कि आधा घंटा इन्होंने कवर किया। और अभी ओनली बिकॉज ऑफ अच्छा एक चीज़ सुनकर हैरानगी होगी कि हमने रात मुल्तान के बिल्कुल सर पे कैप्चर कर लिया था माशाल्लाह 11:00 एक्सप्रेस।
मुकाबला कड़ा है, सख्त है। 27 अब जो है वो अभी तक पीछे है टेक्निकली, सी वो फैसलाबाद नहीं पहुंची है, डेफिनेटली फैसलाबाद ऑनवर्ड उसको टाइम लगेगा। मेमो लेके खड़े थे जी, मेमो दिया है और मेमो भी सिग्नल कर। इस वक्त हम 8:36 पे पत्तों की एंटर कर रहे हैं। क्या कर्व लिया है भाई यार, और ड्राइवर साहब यू आर सी ग्रेट। मानना पड़ेगा समय के ड्राइवर जो हैं वो सबसे स्ट्रांग निकले हैं। अंग्रेज ने क्या चीज़ें बनाई थी और हमने क्या माशाल्लाह बिगाड़ा है। लेस देन अ मिनट और पत्तों की से डिपार्चर है। सिस्टम के लिए जो माशाल्लाह ऊपर एसी आउटर्स लगे हुए, बड़ा ही गर्क हुआ है। सामने है जी मेन साइड 9 की, सबसे कम यूज हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जिसकी लाइन सामने है। भी लोग पानी दे रहे हैं घास को, क्या कौम है यार। स्टैंड में स्कूल का मजा अपना है।
तो खैर हॉस्टल लाइफ गुजारी है, और क्या मज़ा आता था सुबह जब डंडे मार के मेरे जाते थे पीटी के लिए। सर सुबह के 9:04 और हम वो राधा कृष्ण की तरफ और काफ़ी करीब हैं हम। आज जेसी यू पी 36352 को तम्मा सट्टा के ड्राइवर्स ने सही खींचा है। कल हादसे की वजह से इतना ज़्यादा बेहतर नहीं कवर कर पाए, आधा घंटा कवर किया था माशाल्लाह। Here comes the tripod, राधा कृष्ण। जिस भी कार्गो पे KRK लिखा होता है वो इस जगह की ड्राईपोर्ट की है गाड़ी, जो ज़्यादातर जम होती है लाहौर के या शाहदरा ड्राईपोर्ट के साथ। गाइस 6352 का जो विसल है वो बड़ा डाउन है और हम प्लांट के साथ हैं, ये भी एक वजह है। तो राइट फॉर डिपार्चर है, बैग पे कंटेनर्स एंड ऑल दैट स्टफ। गाइस 9:24 पे अराइवल इंटर कर रहे हैं, स्टिल लेट जो टाइम है जिसका हुआ एक्सीडेंट उसके अलावा नहीं।
का स्टेशन तो बना दिया, सफाई का फुकदान ही है। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर सफाई होती नज़र नहीं आती थी, यहाँ कोई सफाई करता होगा। जो मिट्टी जम चुकी है, कचरा माशाल्लाह बहुत है। गाइस 2 घंटा और 47 मिनट लेट, 9:51 मेन प्लेटफॉर्म। खैर हैं ही 2 प्लेटफॉर्म का मेन। माशाल्लाह पहुंच गए जी, और कुछ ही देर में हम इंशाल्लाह लाहौर कैंट देन लाहौर जंक्शन। गाइस कोट लखपत से निकल चुके हैं और कोट लखपत से हमारे साथ हैं हमजा। वालेकुम अस्सलाम हमजा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्यों शालमी जा रहे हो मेरा भाई? बस शालमी, मैं जॉब करता हूं तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ ट्रैवल करते हैं लाहौर जंक्शन तक, और वहीं से शाम चला जाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त, देखते हैं आज, अल्लाह करे आरे साहब के जाने से पहले पहुंचे। बिल्कुल इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर स्टैम्प 1812 की है माशाल्लाह, और बना भी कराची का है। गाइस पहुंच गए कैंट, कड़ा मिलिट्री ब्लॉक। अगेन कम्स जो सामने सामने लाहौर कैंट, अगला लाहौर जंक्शन। लेट अस सी। तरक्कियाँ तरक्कियाँ तरक्कियाँ, मिलिट्री ब्लॉक्स बगैर सरिये के, शुक्र है अक्ल आई है बादशाह के बाद से। ये टेक्निकली जो आर्मी का एक बहुत
दुख भरा हादसा हुआ था, उसके बाद से ये सरिये काटे गए। अच्छा आपको एक खूबी बता दूं, ये जो मिलिट्री ब्लॉक्स आप देख रहे हैं ना सामने, ये असल में अभी तक जो है वो जर्मन क्लास डिज़ाइन पे, इनका गेट हमेशा आगे होता है और वॉशरूम सेफ्टी के पर्पस से फ्रेम के साथ होता है। अब इंशाल्लाह लाहौर जंक्शन को कैप्चर करेंगे, तब तक हस्ब रिवायत सामान बाहर, गेट तक कब्जा। गाइस जैसे टू टायर ब्रेक वैन कहते थे, ये इकोनॉमी क्लास सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए इस्तेमाल होती थी और ऊपर एक बंदा लेट सकता था। ये दो मुगलपुरा से निकले हैं कराची एक्सप्रेस के लिए, तो वन बाय वन जो है वो भेजे जाएंगे और रैक पूरा किया जाएगा जो कराची के लिए अब दोबारा जो है री। ये अगेन नई कोचेस खड़ी हैं, अब मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी हो तो नहीं सकता रैक नया, बट सारा नया रैक मुगलपुरा का है जी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात जो है इसकी पहचान है, इसका ग्रीन कलर है, ये डार्क है, तो सीआरआरसी वाले स्कीम पे। ये दो मनूस कारें खड़ी हैं फॉर मी, दे आर मनूस। आज उमर भाई फिर आएंगे उमर ऑन यूट्यूब, सफर का अख्तिताम अमर ऑन यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम हमजा और रहमत भाई, और इन सब की मोहब्बत है कि ये मिलने आए हैं सुबह सुबह, और इस वक्त शंटिंग हो चुकी, पीछे जा चुका है लाहौर का माले गनीमत, अच्छा सफ़र रहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टूर भी बहुत अच्छा रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।